दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सोने चांदी के बर्थडे केक के घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, परी और आरुषि नाम की दो बहनें गोरखपुर गांव में एक झोपड़ी में रहती थी। परी और आरुषि के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उस समय परी और आरुषि घर पर अकेली थी। कुछ समय पहले उनका परिवार बहुत ही हंसी खुशी से रहा करता था। एक दिन कुछ ऐसा होता है जब परी के पिता गुप्ता और माँ सुशीला बाजार में आरुषि का जन्मदिन मनाने के लिए केक और कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं, लेकिन सामान लेने के बाद जब दोनों घर आ रही होती हैं, तभी उनका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। गुप्ता और सुशीला गांव से बाहर शहर में खरीदारी करने के लिए जाते हैं, इसलिए उन्हें शहर में कोई भी नहीं जानता। वहां के लोग एक्सीडेंट की खबर पुलिस वालों को दे देते हैं। जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि वो किस गांव से हैं। पुलिस वाले मिलकर उन दोनों के शव को उठाकर उनके घर पर छोड़ देते हैं। ये देखकर परी बहुत दुखी होती है और आरुषि बहुत रोती है। माँ, पिताजी, ये क्या हो गया? आप हमें इस दुनिया में अकेले छोड़कर क्यों चले गए? अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे? आरुषि अभी बहुत छोटी थी, इसलिए वो ये सब कुछ नहीं समझ पा रही थी। लेकिन आरुषि को यूँ रोता हुआ देखकर परी भी रोने लगती है। परी अपने आप को संभालती है और आरुषि को भी। उसके बाद परी अपने माता पिता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर देती है और अब वो अपनी छोटी बहन आरुषि के साथ ही रहने लगती है। परी घर के सारे काम करती है। सुबह उठकर घर में झाड़ू पोछा लगाती है और नाश्ता तैयार कर आरुषि को दे देती है। परी अब बहुत समझदार हो गई थी। परी के माता पिता को गुस्से हुए पूरे एक साल बीतने वाला था कि फिर से आरुषि का जन्मदिन करीब आ रहा था। फिर आरुषि अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी, मेरा जन्मदिन आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊं, लेकिन हमारे पास तो दो वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। हम मेरा जन्मदिन कैसे मनाएंगे दीदी? अरे तो चिंता मत कर मेरी छोटी बहन, मैं तेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी। मैं कुछ काम करूंगी जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और हम तेरे जन्मदिन पर बड़ा सा केक काटेंगे और खूब मस्ती करेंगे। परी आरुषि को खुश करने के लिए ये सारी बातें कह तो देती है, लेकिन परी ये नहीं जानती थी कि वो आरुषि का जन्मदिन कैसे मनाएगी, क्योंकि उसके पास तो एक भी रुपए नहीं थे। परी का घर जंगल के बीचों बीच था। वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, जिसके चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। परी और आरुषि की पूरे गांव में चर्चा होती थी। दोनों बहनें बहुत ही समझदार थीं और वो दोनों सभी की इज्जत भी करती थी। एक दिन अपना मन हल्का करने के लिए परी और आरुषि जंगल में घूमने के लिए चली जाती हैं। तभी उन्हें एक बहुत ही अजीब सा कुछ दिखाई देता है। वो देखती हैं कि जंगल में दो बड़े बड़े केक के रूप में सोने और चांदी के घर बने हुए हैं। सोने और चांदी के केक का घर देखकर दोनों बहनें बहुत हैरान रह जाती हैं। अरे दीदी, ये देखो, इतना बड़ा केक का घर, वो भी सोने चांदी का, मैंने तो आज तक नहीं देखा, और देखो तो ये कितना चमक रहा है। अरे हाँ आरुषि, ये तो बहुत ही ज्यादा चमक रहा है, बिल्कुल सोने और चांदी की तरह। क्या हमें इसके अंदर चलकर देखना चाहिए? हाँ दीदी, हमें इसके अंदर चलकर देखना चाहिए। आखिर ये है क्या? क्या पता इससे हमारी कुछ मदद हो जाए। इतना सोचकर दोनों बहनें चांदी वाले केक के घर के अंदर चली जाती हैं। वो वहाँ देखती हैं कि वो घर तो बहुत ही खूबसूरत है। उस केक के घर के अंदर
हर जगह पर ढेर सारा खजाना रखा हुआ था। ये देखकर उन्हें अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो दोनों बहनें अपने साथ थोड़ी बहुत धन दौलत ले लेती हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए वापस अपनी झोपड़ी में पहुंच जाती हैं। अब वो दोनों बहनें सोने चांदी के केक के घर से लिए हुए पैसों का इस्तेमाल करती हैं। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती है तो वो सोने चांदी के केक के घर में चली जाती थी। वो सोचती हैं कि सोने चांदी के केक के घर के बारे में किसी को बताया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए वो दोनों बहनें उन सोने चांदी के केक के घरों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी और अपनी जरूरत के अनुसार उसमें से पैसे ले लिया करती थी। एक दिन दोनों बहन घर के अंदर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर उन्हें एक बुढ़िया नजर आती है। फिर परी उन बुढ़िया दादी से कहती है, अरे दादी माँ, हमने इससे पहले आपको यहाँ पर कभी भी नहीं देखा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं तो यहाँ पर इस केक के घर की सुरक्षा करती हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो बेटा? दादी माँ, मैं पास की ही एक झोपड़ी में रहती हूँ। मेरे माता पिता कुछ समय पहले गुजर गए। एक बार जब हम दोनों बहनें जंगल में घूम रही थी तभी हमें ये सोने चांदी का केक का घर दिखाई दिया, इसलिए हम दोनों बहनों को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम इस केक के घर के पास आ जाती हैं। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम दोनों बहनें बहुत ही नेक और अच्छे दिल की और बहुत ही ईमानदार हो, इसलिए ये केक का घर तुम्हारी मदद करता है। फिर वो बूढ़ी औरत उन दोनों बहनों को बताती है कि वो जंगल में रहती है और उन दोनों सोने चांदी के केक के घरों की रक्षा करती है। बूढ़ी दादी माँ, अगर आप जानती हैं कि ये सोने चांदी के घर एक जादुई घर है तो फिर आप इनसे मदद क्यों नहीं मांगती हैं? बेटा, मुझे किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं है। ये सोने चांदी के केक के घर केवल नेक और सच्चे लोगों की ही सहायता करते हैं। अगर तुमने कभी भी कोई लालच किया तो ये तुम्हारी मदद भी कभी नहीं करेगा, इसलिए आज तक इस सोने चांदी के केक के घर का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर पाया है सिवाय तुम्हारे। और परी और आरुषि बूढ़ी दादी की बात को बहुत ही अच्छे से समझ जाती हैं। परी और आरुषि का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और उस बूढ़ी दादी का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। अब परी और आरुषि उस बुढ़िया के साथ जादुई सोने चांदी के केक के घरों में ही रहने लगती हैं और वो हमेशा दूसरे लोगों की मदद भी करती हैं। धीरे धीरे करके दोनों बहनें गांव की तरक्की करती हैं और गांव में मुफ्त अस्पताल, मुफ्त शिक्षा का बंदोबस्त कर लेती हैं। इसके बाद सभी गांव वाले परी और आरुषि की बहुत तारीफें करते हैं। अब दोनों बहनें हंसी खुशी से सोने और चांदी के केक के घरों में उन बूढ़ी दादी के साथ ही रहने लगती हैं। एक गांव में अशोक नाम का एक आदमी अपनी पोती इमली के साथ रहता था। कुछ समय पहले इमली के माता पिता का देहांत हो गया था। अब अशोक पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी पोती को ही संभालता था। इमली एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसके दादा घर का सारा काम करते थे और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर मोमोज बनाकर बेचा करते थे। इमली की क्लास में बुलबुल नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा इमली को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। इमली पढ़ाई में बहुत होशियार थी। बुलबुल, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। अरे अपनी फ्रेंड इमली को देखो, कम से कम इसी से सीख लो, इसके तो माता पिता भी नहीं है लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, आगे से मैं पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। बुलबुल पर जोर जोर से हंसने लग जाए।
चाहते हैं। आज इस मोमोस वाले की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस मोमोज वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन इमली स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में बुलबुल अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी। जब इमली अपनी क्लास में जा रही थी तब बुलबुल उसे धक्का मार कर गिरा देती है। अरे तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत आज टीचर से करूंगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने इस मोमोज वाली को धक्का दिया? नहीं नहीं, बुलबुल ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। फिर सभी बच्चे इमली पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों घूर रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस मोमोज वाली की, कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी बुलबुल नहीं। कुछ दिनों बाद बुलबुल का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुलबुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाओ, कितनी अच्छी सजावट करवाई है आपने डैड। अरे बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। फिर बुलबुल अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसीलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन मोमो वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है बुलबुल, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना, अपनी ना सही कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को इमली तैयार होकर बुलबुल की बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है, ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर बुलबुल आती है। क्यों इमली, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या, तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद है। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तू मेरे लिए। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। बुलबुल केक लेकर इमली के पास जाती है। इमली ये लो केक। इमली केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी बुलबुल जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? बुलबुल, मैं गरीब हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गई गुजरी हूँ। ए, ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है, तू तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जा यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगवाऊंगी।
तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? दादाजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है, क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और एक नई ड्रेस नहीं लाकर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे दादाजी भी किसी के माता पिता से कम नहीं है। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना दादाजी? बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद, ए मोमोज वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त तो याद है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे दादाजी को बहुत सारे मोमोज का ऑर्डर मिला है, उसके बाद मेरे दादाजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खा कर जाना। इमली के दादा अशोक बहुत सारे मोमोज बनाकर उन्हें बेचने जाते हैं, लेकिन मोमोज लेने वाला मालिक बुलबुल का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या मोमोज का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो ना, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद अशोक मोमोज लेकर आते हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपके गर्मा गर्म मोमोज, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए सर। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के मोमोज यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट के मोमोज खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए, आज मेरी पोती का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए केक और एक ड्रेस लेकर जानी है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, कुछ तो रहम करो मालिक। अरे बाबा जी, यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर आपकी बहुत पिटाई करवाऊंगा। बेचारा अशोक अपनी मोमोज की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी पोती की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर मोमोज बेच लेता हूँ। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे मोमोज ले लो, मोमोज वाला। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और अशोक के सारे मोमोज पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरे सारे मोमोज में पानी भर गया, अब मैं क्या करूं? किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? अशोक वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहां पर एक चटोरी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे मोमोज में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, एक काम करो ना अंकल, ये सारे मोमोज आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे मोमोज खराब हो चुके हैं, ये खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परीलोक में माइक्रोवेव रखा है, मैं फटाफट से इसे ले जाकर उसमें गरम कर लूंगी। खुशी खुशी अशोक परी को वो सारे मोमोज दे देते हैं। थैंक यू सो मच, लेकिन आप इतने उदास क्यों बैठे हो, सब ठीक तो है ना? अशोक उस परी को वो सारी बातें बताते हैं। फिर परी अपने जादू से सोने का लहंगा और चांदी का केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का लहंगा तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, तुम मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म मोमोज खिलाते रहना, मैं हमेशा तुम्हारे पास आती ही रहूँगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है।
फिर सोने के लहंगे और चांदी के केक को लेकर अशोक अपनी पोती के पास जाते हैं। इमली ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी शाम को बुलबुल और उसकी कुछ सहेलियाँ इमली के घर आती हैं। सभी इमली के सोने के लहंगे और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती हैं। और फिर इमली खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। ओ दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।